Hi everyone, welcome back. So today I'll be talking about a brand which says and claims it's cruelty free, it's vegan, and it has gained a lot of love on internet. So the brand I'm talking about is Earth Rhythm. And unki website pe ek offer chal raha tha where there was this buy one get one, and then uske kuch weeks baad they also had a clean 50% sale. So I thought of trying out this brand, and yeah, there are products I am impressed and there are products that did not impress me much. So zyada baatein kiye bina, let's just start talking about our first product. And so that is this sunscreen. This is their Ultra Defense SPF 50 sunscreen, and ये बहुत ही अच्छी सी packaging में आती है. You guys can clearly see the packaging of this product is amazing, and also जो अंदर tube मिलती है आपको, even this has a very very amazing packaging and काफी convenient है to use. You get this pump, and also the consistency of this product is quite smooth, quite liquidy, and एकदम से absorb हो जाती है. ऐसे लग रहा है कि आप कोई you know moisturizer use कर रहे हो. वो जो white cast वाली sunscreens होती हैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं है ये sunscreen, and बहुत अच्छे से absorb होती है. कोई ऐसे fragrance भी नहीं है. Works well and is an amazing product as well. So yeah, अगर मैं एक sunscreen आपको recommend करूँ, this would be the first one to recommend, and this product gains completely 5 stars from my side. Now the next product from this brand is also quite famous on internet, and these are the makeup remover pads. Now this is what you get. आपको ऐसे दो pads मिल जाते हैं, and इनकी MRP भी I think around 300 plus थी, और मुझे पक्का याद है कि मैंने इन्हें 165 rupees में खरीदा है दोनों को. इनकी quality you guys can see, it is so good, it is so soft, and मैं इसे बहुत गंदी तरीके से 10 से 15 बार use कर चुकी हूँ already, and मैं ऐसे ही इसे अपने washing machine में डाल देती हूँ, and ये बहुत ही अच्छे से clean हो जाता है, and also अभी तक इसकी क्वालिटी इतनी सही है, मतलब बिल्कुल नए जैसी क्वालिटी है अभी तक. सो या दिस इज समथिंग आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइज. अगर आपने ट्राई नहीं किया है मेकअप रिमूवर पैड्स और आप फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हो, तो मैं कहूंगी आप इसी ब्रांड का ट्राई करो. यू गाइज विल लव इट. Now the next product that we have from the brand is this Radiance face mask, and it contains vitamin C and kaolin clay, and you get 60 ml of product, and ये था 698 rupees का, और again मुझे पड़ा है around 349-348 rupees. So yeah, ये ऐसे glass bottle packaging में आता है, and it is the Radiance face mask. ऐसे बहुत सारे variants हैं इनके इनकी website पे, you guys can try it out, and this is how the mask is from inside. बहुत ही liquidy consistency है. You know, brush से application के लिए काफ़ी सही रहती है ये वाली consistency. अगर मैं product के बारे में बात करूँ कि इसने मेरे face पे क्या जादू किया है, तो I would say कि कुछ खास नहीं किया है honestly. As a face mask, अगर आप regular user हो, जैसे आप हफ्ते दो हफ्ते में एक बार face mask लगाते, तो दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट. ओके, बट आई वोंट से दैट इट हैज डन वंडर्स टू माई स्किन, या कोई बहुत ही अमेजिंग सा ग्लो ला दिया मेरे फेस पे, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरा चेहरा वैसे का वैसा है, बट हाँ, बस थोड़ा सा यू नो जो क्लीन किया है, पोर्स को डीप क्लेंज किया है, एंड ये सब तो नॉर्मल फेस पैक्स में भी होता ही है. सो देर इज नथिंग सो ग्रेट अबाउट दिस फेस पैक. सो ये वाला जो वेरियंट है, दिस इज द रेडियंस वन विद विटामिन सी. दिस इज वॉट आई वुड से के मतलब ओके प्रोडक्ट है. द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव फ्रॉम दिस ब्रांड इज दिस एलो जेल फ्रॉम अर्थ रिदम, एंड अगेन दिस हैज ऑल द क्वालिटीज दैट आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड इन एन एलोवेरा जेल, एंड दैट इज हैविंग अ क्लियर जेल, हैविंग अ वेरी थिक कंसिस्टेंसी, अ गुड पैकेजिंग यू नो, जो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो टू अप्लाई ईजिली, चाहे वो बालों में हो, फेस पे हो, स्किन पे हो, कहीं पे भी हो. बट एक ही प्रॉब्लम है इस एलोवेरा जेल में, एंड दैट इज इट्स स्मेल. Now I don't know कि इसमें ये वाली स्मेल क्यों आ रही है. इट्स बिकॉज इट माइट बी बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिनैलिटी और वॉट एवर, बट जो केमिकलिश जैसी जो फ्रेग्रेंस है, दैट इज समथिंग दैट हैज़ यू नो रियली डिसअपॉइंटेड मी. एंड अदर देन दैट, अगर आप एलोजेल अप्लाई कर रहे हो अपने फेस पे, इट हैज़ दैट मॉइस्चराइजिंग कैपेबिलिटीज, एंड अच्छे से आपके फेस को मॉइस्चराइज कर देता है, काम कर देता है, एंड या एलोवेरा जेल का काम ये कर रहा है. बट द ओनली प्रॉब्लम विद दिस प्रोडक्ट इज इट्स ओडर. आई डोंट नो कि इसकी फ्रेग्रेंस या स्मेल आई वुड से ऐसी क्यों है. ना भी होती कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल तो भी चलता है यार, मतलब दैट इज द ओनली रीजन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस प्रोडक्ट. सो या परचेजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस अर्थ रिदम ब्रांड हैव बीन अ 50-50 प्ले फॉर मी, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स थे विच रियली डिड नॉट वर्क वेल फॉर मी, एंड देयर वर सम दैट हैज़ वर्क वंडर फॉर मी. सो या लेट मी नो अगर आपने इस ब्रांड में से कोई भी प्रोडक्ट यूज किए हैं विच आर वर्थ ट्राइंग. आई वुड लव टू ट्राई दैम. कॉमेंट डाउन बिलो फॉर दैट इज वेल. एंड ऑल्सो आप कॉमेंट कर सकते हो कौन सी और ब्रांड्स हैं दैट यू गाइज वॉन्ट मी टू ट्राई ऑन. सो या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. एंटिल देन टेक केयर. बाय बाय.